शादी दो लोगों के बीच में एक सामाजिक या धार्मिक मान्यता प्राप्त मिलन, एक ऐसी साझेदारी जिसमें प्यार हो, समर्पण की भावना हो और ऐसा साथ जो आजीवन रहना है या उसके बाद भी, तभी तो शायद सात जन्मों का बंधन कहा जाता है। लेकिन शादी की ये व्याख्या पुरानी हो चली है। इस व्याख्या को युवा पीढ़ी ने नकार दिया है और किसी भी बंधन से ज्यादा, चाहे वो शादी का ही क्यों ना हो, उससे ज्यादा अपनी आजादी को प्राथमिकता पर रखा है, जिस पर कोई अंकुश नहीं लगा सकता। अगर रिश्ते में दो लोग हैं तो दोनों को अलग अलग अपना स्पेस चाहिए और यही है आज की शादी का मतलब। अगर ये स्पेस मिलता है तो शादी चलती है, नहीं मिलता तो फिर शादी टूटने में भी देर नहीं लगती। और इसी से चिंतित है केरल हाईकोर्ट। युवाओं की इसी मानसिकता से कोर्ट काफी चिंतित है। केरल हाईकोर्ट के जस्टिस मोहम्मद मुस्तक और सोफी थॉमस की बेंच ने कहा, केरल को कभी भगवान की धरती कहा जाता था। यहाँ पर परिवारों के बीच प्यार, अच्छे संबंधों को लेकर जाना जाता था, लेकिन अब यहाँ का ट्रेंड बदल रहा है। अब इसकी संस्कृति खराब हो रही है। कोर्ट की नजर में वर्तमान जो प्रवृत्ति है वो तुच्छ, स्वार्थी कारणों और विवाहेतर संबंधों के लिए तलाक लेने की हो गई है। बेंच ने कहा, यहाँ तक कि अपने बच्चों की परवाह किए बिना विवाह बंधन को तोड़ा जा रहा है। परेशान और बिगड़ रहे परिवारों से निकलने वाला चीखना चिल्लाना समाज की अंतरात्मा को पूरी तरह झकझोर रहा है। जब झगड़ा करने वाले दंपति, परित्यक्त बच्चे और हताश तलाकशुदा हमारी आबादी के बहुमत पर कब्जा कर लेते हैं तो इसमें कोई संदेह नहीं कि हमारे सामाजिक जीवन की शांति पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा और हमारे समाज का विकास रुक जाएगा। बेंच की तरफ से कहा गया, युवा वाइफ शब्द को हमेशा के लिए आमंत्रित चिंता के तौर पर देखते हैं। वो कहते हैं कि बुद्धिमान शादी नहीं करते। उपभोक्ता संस्कृति युवाओं पर हावी हो गई है। वो यूज एंड थ्रो कॉन्सेप्ट को शादी के संबंधों पर अपना रहे हैं। लिव इन रिलेशन पर भी कोर्ट ने रोशनी डाली। बेंच ने कहा, शादी के बाद कोई भी इस रिश्ते को एक तरफा नहीं छोड़ सकता जब तक कि वो कानूनी प्रोसेस पूरा ना हो। कानूनन उन्हें अपनी शादी को तोड़ना होता है। पति और पत्नी दोनों की सहमति होती है। ये रिश्ता आसानी से नहीं टूटता है। सिर्फ झगड़े, वैवाहिक संबंधों के सामान्य टूट फूट या कुछ भावनात्मक भावनाओं के आकस्मिक प्रकोप को क्रूरता के रूप में नहीं देखा जाता, इसलिए युवा लिव इन रिलेशन की तरफ भाग रहे हैं। किस मामले को लेकर केरल हाईकोर्ट ने की टिप्पणी। 2006 में दिल्ली में काम करने के दौरान दंपति एक दूसरे को जानते थे। उन्होंने 2009 में शादी की। 2017 तक सब कुछ ठीक चला और उसके बाद चीजें बिगड़ने लगी। पति ने तलाक के लिए अलापूझा के फैमिली कोर्ट में अपील की। फैमिली कोर्ट से अपील खारिज हो गई तो फिर पति ने हाईकोर्ट का रुख किया। वहां से भी उसकी याचिका को खारिज कर दिया गया। खंडपीठ ने कहा, तथ्यों से स्पष्ट है कि पति के किसी अन्य महिला के साथ अपवित्र संबंध है। इस वजह से अपीलकर्ता और प्रतिवादी के पारिवारिक जीवन में हलचल हुई है। दंपति की तीन बेटियां, दोनों को अलग होने की मंजूरी नहीं दी गई। तो यही वो मामला है जिसको लेकर आजकल की चले ट्रेंड को लेकर कोर्ट चिंतित दिखी और युवाओं में शादी को लेकर बदल रही विचारधारा पर कोर्ट ने टिप्पणी की। वैसे आप कोर्ट की बातों से सहमत हैं आज की युवा पीढ़ी की विचारधारा से?